परिक्रमा का पांचवा व अंतिम दिन। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के पांचवे और अंतिम दिन श्री गुरुदेव सभी भक्तों को रुद्रद्वीप ले गए, जो कि सांख्य भक्ति का स्थान है। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। एक बार बोल रोशना उच्च ईश्वरे हरे कृष्णा हरे हरे गाय गोरा चाँद जीवेर तरे हरे कृष्णा हरे हरे। बोलो नंदेर नंदन जशोदा जीवन। पवित्र गंगा जी के किनारे व हरे भरे खेतों के बीच होने के कारण ये स्थान बड़ा ही मनोरम है। श्री राधा रमन प्रेम भरे श्री राधा रमन प्रेम भरे गाय गोरा चाँद जीवेर तरे हरे कृष्णा हरे हरे गाय गोरा चाँद जीवेर तरे हरे कृष्णा हरे हरे। ये वही स्थान है जहाँ परम वैष्णव शिव जी महाराज जी ने श्री कौर हरि जी के लिए यहाँ बहुत नृत्य कीर्तन किया था। इसीलिए श्रील गुरुदेव ने इस स्थान पर आकर सबसे पहले वैष्णव अग्रगण्य शिवजी महाराज जी को प्रणाम किया व उनके मंदिर की परिक्रमा की। उसके बाद श्रील गुरुदेव जी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु व श्री गांधारविका गिरिधारी जी के दर्शन किए। परिक्रमा करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए श्री चैतन्य मठ के भक्तों ने यहाँ पर सुंदर बैठने व हरि कथा सुनने के लिए स्थान बनाया है। श्री गुरु महाराज ने बताया, दो बार मंदिर गंगा जी के प्रवाह में बह गया। त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वैभव सागर महाराज जी द्वारा तीसरी बार बनाया हुआ ये मंदिर है। यही कारण है कि इस बार ये मंदिर गंगा से काफी दूर है। रुद्रद्वीप के बारे में श्रील गुरुदेव जी ने कहा, भरतदास लीला महात्म है, जहाँ पर भक्तों का पास भगवान प्रकाशित होता है वो स्थान परम पवित्र होता है। भरतदास मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं भक्ति भगवत भक्त थे भरतदास। भगवत भक्त वो गंगा सागर में जाके गंगा सागर तब इधर ही था, गंगा सागर अभी दूर चला गया। सब नवद्वीप का मतलब न्यू आइलैंड नहीं, नवद्वीप का मतलब होता है ये 900 द्वीप लेकर नवद्वीप। द्वीप होता है चारों तरफ पानी, लेकिन अभी तो देखता नहीं, अभी सागर चला गया बहुत दूर। चला जाने से उसका आओ दीपाकार में नहीं है, ये खंडाकार है। इसलिए हम लोग का आगो में जब नेत्र से नहीं लगे। यहाँ पर गंगा सागर नजदीक में था, वहाँ पर भरद्वाज मुनि स्नान किया। स्नान वो नवद्वीप धाम का साथ लगा हुआ है, ये नवद्वीप धाम का स्पर्श हुआ तो नवद्वीप धाम में आके आराधना करने के लिए उनकी इच्छा। तब वही स्थान पर जो भरद्वाज जो जो आप लोग देखा ना, इसको जो बनाया है उसका नजदीक में ही वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, गौरांग महाप्रभु का आराधना किया। गौरांग महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होंगे, इसलिए उनका आराधना कृपा की। तो उनको आराधना से भगवान संतुष्ट हुआ, संतुष्ट होकर उनको दर्शन दिया। जो स्थान में भगवान दर्शन देते भक्त का अवस्थान होता है वो स्थान परम पवित्र होता है। धाम पवित्र है,
लेकिन जहाँ पर भक्त का सिद्धि होता है वो परम पवित्र है। इसे रुद्रद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि 11 रुद्रों का स्थान है ये। यहाँ पर सभी रुद्र मिलकर श्री गौर हरि का गुणगान करते हैं। आदि शंकराचार्य भी इस स्थान पर आए थे महाप्रभु जी का आशीर्वाद लेने। परम वैष्णव श्री विष्णु स्वामी भी इस स्थान पर आए थे और उन्हें यहीं श्री नील लोहित रुद्र जी ने आशीर्वाद दिया था व उन्हें शुद्ध भक्ति के रुद्र संप्रदाय में अपनाया था। हरे कृष्णा हरे हरे गाय गोरा चाँद जीवेर तारे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा।